जी बताएं, पहली बार कोई फैन रिएक्शन हुआ हो या फैन इंटरेक्शन हुआ जिससे आपको रियलाइज हुआ कि यार लोग मुझे पहचानने लगे हैं, मजा आ रहा है अब तो? मुझे अपनी जब मेरा पहला ड्रामा आया था नसीबो चली, वो प्राइसलेस मोमेंट थी मेरे लिए. ओके. आई वॉज ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद. हाँ. और रास्ते में रुके, कुछ खाने पीने के लिए स्टॉप ओवर किया और गाड़ी में बैठी हुई थी मैं. और वहाँ से ग्रुप जा रहा था, कोई यूनिवर्सिटी ग्रुप जा रहा था. इवन कि मैं खुद तब आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड जब मैंने किया था प्रोजेक्ट अपना. बैठी हुई और खा पी रही हूँ और एक तानिया, आप तानिया ना, आप नसीबो जली में आती हैं. हाँ मैं वही हूँ. और वो एक शायनेस भी थी, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था, वो कुछ मिला जुला एक सिचुएशन थी, वो एक मिला जुला इमोशंस थे. बट इट वॉज रियली गुड, बट इट फेल्ट रियली गुड कि जब आपके पास कोई आता है और आपको बताता है कि आपने अच्छा काम किया है, हम आपके फैन हैं. इट्स रियली, इट्स समथिंग एल्स. हाँ, इट्स समथिंग एल्स. अच्छा, कुछ और हुआ मज़े का, इंटरेस्टिंग? मुझे याद है हम क्वेटा में शूट कर रहे थे सेल्स के लिए, कोई फैशन का ब्रांड था और हम वहाँ पे गए, हमने शूट किया. तो जो मेरी गाड़ी थी उसके सामने इतना बड़ा बुके, वाओ, कैन यू इमेजिन, लाइक 300 फ्लावर्स, माशाल्लाह. और वो कोई डाई हार्ट फैन ही था यार. हाँ. जिसने वो भेजा गुलाब के फूल, गुलाब के फूल और 300 फ्लावर्स. ये तो कभी मुझे वैसे किसी ने नहीं दिए 300 फ्लावर. और उस पर एक नोट था कि आप बहुत खूबसूरत हैं और आप जैसी हैं हमेशा वैसी ही रहिएगा. हाँ, कितना खूबसूरत मैसेज है. वेरी नाइस. नथिंग चीप, नथिंग चीप, जैसी आप हैं वैसे ही रहिएगा. और वो मेरे ड्राइवर को देके चले गए. वेरी नाइस. वो जो भी थे, प्लीज कभी सामने तो आए. क्या बात है भाई, क्या बात है. मतलब कभी सामने तो आए. लाइक अब सुबह काफी पुरानी बात हो गई, एक साल हो गया. सुबह ऐसा ना हो मैसेजेस आने चाहिए. वो 300 फ्लावर्स मैंने भेजे थे, पता नहीं रैंडमली ना मैसेजेस आना. अब तो वैसे भी टाइम निकल गया ना हाथ से, मौके पे चौका ही बनता है. तो अच्छा ये बताए, शादी के कितने रिश्ते आते हैं यार डीएम में आपको? आते होंगे ना बहुत रिश्ते आते हैं, बहुत आते हैं. के मैरी मी, यू आर सो ब्यूटीफुल, योर फीट्स आर सो ब्यूटीफुल. मुझे तो पता नहीं लगता कि लोगों को ऑब्सेशन क्या पाउंड से, मतलब क्या ऑब्सेशन है लोगों को पाउंड से. मुझे नहीं समझ आती. हाथों से, पाउंड से, पाउंड के बहुत, आपके पाउंड बहुत प्यारे हैं, आप उनसे शादी कर लें. यार मैं तुमसे शादी कर लूं क्योंकि मेरे पाउंड प्यारे हैं? मतलब तुम प्यारे हो कि नहीं, तुम इंसान कैसे हो? प्रपोजल तो अच्छा दो. हाँ मुझे बताओ तो से. शादी के बहुत रिश्ते आते हैं डीएम्स के अलावा. जब से भड़ास और फितरत ऑनियर है, मैं अभी मैं कराची में शूट कर रही थी पिछले दिनों, तो दो आंटी आई मेरे पास. अच्छा. और वो मुझे कहती हैं, पिक्चर्स ले रही थी मेरे साथ, ये ना ये लड़का कैसा है? मैंने कहा जी सिंगल है, मेरा बेटा है, मैं इसके लिए लड़की ढूंढ रही हूँ. यू नो मैं इसके लिए लड़की. मैंने कहा आंटी आप इस तो आप करें इनकी शादी, आपकी मंगनी हो गई, आप कमिटेड? मैंने कहा नहीं मुझे शादी नहीं करनी, अभी मैं बहुत छोटी हूँ. हाँ. मेरी अच्छा अच्छा ठीक है. मतलब इस तरह से बहुत होते हैं, लेकिन शादी आई थिंक इट्स टू अर्ली टू यू नो थिंक अबाउट. और वो वैसे थोड़ी इससे. अच्छा ये बताएं, जब भी मुलाकात होती है सामने किसी से, तो पहली क्या चीज़ नोट करती हैं आप? मैं मर्दों को ये बहुत, वैसे मैं ये नहीं बता रही कि मैं बाकी में ऐसी हूँ, मैं नहीं देखती. मुझे कोई मर्द अट्रैक्ट नहीं करता. आई एम यू नो आई थिंक यू आर टू फोकस्ड ऑन योर वर्क राइट नाउ. आई एम टू फोकस्ड ऑन माय वर्क. और अगर वो अगर मैंने कभी किसी को कंसिडर किया या मैंने उसको देखा उस नज़र से, तो ही शुड बी अ गुड ह्यूमन. ओके, ही शुड बी अ गुड. लेकिन वो पहली मुलाकात या पहली 2-5 मिनट में तो नहीं पता चलेगा. तो मैं थोड़ा सा शैलो सवाल है, इतना डीप नहीं है. मतलब ये कि आईज, बाल, ओवरऑल लुक्स या द वे ही टॉक? ओके. और वो, और मैं उसको अपने से, हमारी बात होने से पहले मैं उसको ये ज़रूर देखूंगी कि वो दूसरों के साथ कैसे है. ओके, इंटरेक्शन, तमीज़ से बात कर रहे हैं, तमीज़ से बात, वो कितना हम्बल है. इंसान का हम्बल होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में. और मुझे वो लोग समझ नहीं आते जो अजीब होते हैं. आप समझ चुकी होंगी किस तरह के. समझ आ रही है, हमारी ऑफ कैमरा भी बड़ी बातें हुई. हमारी ऑफ कैमरा भी ऐसी बहुत बात हुई. लेकिन मुझे बताएं कि व्हाट इम्प्रेसेस यू इन अ गाय? क्या चीज़ होती है, क्या बंदे में, इंटेलिजेंस, हिज एज यू सेड हम्बलनेस, या और कोई चीज़, कॉन्फिडेंस? प्यारा होना चाहिए दिल से. ओके. जब मैं उससे बात करूँ तो मुझे एक वो कम्फर्ट लेवल या कम्फर्ट जोन उससे फील हो, बिकॉज मैं हर किसी के साथ कम्फर्टेबल नहीं हो पाती. ओके.
मुझे हर बंदा समझ नहीं आता और ये बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए लोगों के साथ कम्युनिकेट करना बिकॉज पीपल आर सो प्रिडिक्टेबल. इंसानों के चेहरे डिफरेंट हैं लेकिन उनकी हरकतें उनकी बातें एक ही हैं, कुछ और नहीं है. दे ऑल आर द सेम. यस ठीक है जी. मैं फिलोसफी आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस. कोई बात नहीं, हम ऐसे हम चलते रहेंगे फिलोसफी से, इजी से ये फिलोसफी में जाते रहेंगे. लेट्स डू सम फन सेगमेंट. ओके, कुछ थोड़ा मजा करते हैं. हमारा एक सेगमेंट होता है उसमें हम ये कहते हैं कि आप प्रिटेंड करें कि आप एक दिन उठी हैं और आप जुबाब नहीं हैं. अच्छा, आप कोई और हैं. अगर आप एक दिन उठे और आप देखें कि मैं तो हुमायूं सईद हूं, तो क्या करेंगी आप, क्या रिएक्शन होगा आपका? आई एम अ ह्यूज फैन, मुझे हुमायूं सईद बहुत पसंद है. मैं हुमायूं सईद हूँगी तो मैं दिल्लगी 2 बनाऊंगी और उसमें खुद को ही कास्ट करूंगी और हुमायूं सईद को अपने साथ कास्ट करूंगी और मैं पंजाब नहीं जाऊंगी 2 बनाऊंगी. मैं ये दो चीजें जरूर करूंगी. सो वी कैन होप अगर कभी ऐसा हुआ तो हमें दो अच्छे प्रोजेक्ट शायद देखने को मिल सकते हैं. मैं जरूर करना चाहूंगी ये चीज. अच्छा, मरीना खान. मरीना खान का जो पर्सोना है वो जैसे अपने आप को कैरी करती हैं और जो उनकी पर्सनैलिटी है, आई विश कि मैं उनको थोड़ा सा कॉपी कर सकूँ. मुझे आई रियली एडमायर हर, मुझे बहुत पसंद है वो. अच्छा, आप एक दिन जब उठी हैं सुबह, तो आप आज हीरा मानी है, क्या करेंगी आप? हीरा के अंदर जो जादू है वो हर किसी के अंदर नहीं है, लोगों को अपना बनाने वाला. तो मैं वो ज़रूर करूँगी. क्या जादू चलाएंगी, क्या करेंगी? मैं हीरा को कॉपी करने की, आई एम नॉट सेइंग कि मैं हीरा को कॉपी करने की कोशिश करूंगी. हीरा के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो जहाँ बैठती है अगले 5 मिनट में वो आप अगला दोस्त आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है. तो मैं वो चीज़ अपने अंदर चाहती हूँ जो हीरा के अंदर है. वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेंगी. हाँ, वो जो टैलेंट है ना हीरा के अंदर, ये हर किसी के अंदर नहीं होता. एक दिन आप उठी और आप रेखाएं, तो मैं उनकी तरह साड़ी पहन लूंगी, बिंदिया लगा लूंगी और ड्रेसअप हो जाऊंगी वैसा और खूबसूरत शौक पूरा कर लेंगी अपना सारा. रेखा. और मायरा खान. माहिरा खान, मैं हम सफर करूंगी दोबारा या हम सफर रीशूट या नंबर 2? नंबर 2, क्योंकि देयर इज नो रिप्लेसमेंट हम सफर की. मुझे बहुत पसंद है माहिरा खान और मैं हम सफर 2 करूंगी. अच्छा, मैं आपको एक दो ना सिनेरियोस दे रही हूँ. अच्छा, वैसे मैंने एक जगह पढ़ा था, उससे पहले पढ़ा नहीं था, सुना था मैंने कि आप कहती हैं कि अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो आप क्या होती? मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ, आईएसआई में होती. मजाक में बोला था, सीरियस में बोला था? नहीं, मैं एक्चुअली आईएसआई में होती. मतलब मुझे बड़ा इंट्रीग की ये चीज, बिकॉज दोनों चीजें इतनी सेपरेट है ना. आई डोंट नो व्हाई आईएसआई. आई एम नॉट सेइंग यू कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ. मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ या मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जल्दी पिक करती हूँ, लेकिन मुझे वो सेंस करने की जो एक फील है ना, एबिलिटी है मेरे अंदर, वो कुछ ज़्यादा है. और जहाँ से मुझे पता चलता है कि ना यार ये काम ठीक नहीं है तो पीछे रहो. और मैं मेरे अंदर वो सब्र बहुत है कि जो जितनी भी सिचुएशन, जितनी भी पैनिक सिचुएशन है ना, मेरी अम्मा मुझे और मेरी फैमिली इस बात पे बहुत अप्रिशिएट करती हैं कि जितनी भी पैनिक सिचुएशन होती है उनको मैं बहुत ही कामली हैंडल करती हूँ. यू टेक चार्ज आल्सो. आई टेक चार्ज और मैं फिर उसको फिर लेके चलती हूँ. तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे ना होती तो मैं आईएसआई में होती तो जितने भी मसले होते ना थोड़े शायद कम हो जाते, शायद कहने की बात है, लेकिन मुझे लगता है मेरे हेड में कि मैं ये कर पाती. आईएसआई में होती और मैंने बहुत टेनिस खेला अपनी जिंदगी में 6 साल. या फिर टेनिस प्लेयर होती. या मैं टेनिस प्लेयर होती. अब सिचुएशन दे रही हूँ मैं आपको. ISI ने आपसे बोला है कि उनको आपकी मदद चाहिए और आपने एक मिशन में उनके साथ जाना है कहीं, एक भेस बदल के डिस्गाइज में, ठीक है? एंड तो कौन से 3 कैरेक्टर्स हैं पाकिस्तानी ड्रामों से जो आप चूज़ करेंगी, अपने नहीं कोई और, जो आप ऐसे बन के जाएंगी उन 3 कैरेक्टर से टू हेल्प ISI इन दैट मिशन, और वो क्यों करेंगी, क्यों वो 3 कैरेक्टर्स क्यों सेलेक्ट किए आपने पाकिस्तानी ड्रामास में से? ये बहुत आपने पाकिस्तानी ड्रामास, मुझे याद है कि मैंने अपने बचपन में एक ड्रामा देखा था, खुदा जमी से गया नहीं. वो भी ISPR का कोई प्रोजेक्ट था PTV पे. तो मुझे बहुत पसंद था उसमें सैयद जिब्रान का कैरेक्टर. जिब्रान, राइट? तो मैं ऑब्वियसली मैं मर्द नहीं बन सकती, लेकिन मैं उनका एक कैरेक्टर वो अपना करेंगी. और दूसरा राफिया बन के चली जाऊंगी और मैं किरण बन के चली जाऊंगी. नॉट बैड. या नॉट बैड. और मैं जितनी मैं मदद कर सके किसी की मैं जरूर करूंगी. राफिया बन के तो मासूमियत से आप मासूम चेहरा और कातिल दिल और बस हर चीज हो जाएगी. अच्छा, एक मूवी की ऑफर आ रही है आपको,
ठीक है, उसमें दो रोल्स हैं. एक रोल है बहुत ही हॉट लुकिंग डिटेक्टिव एजेंट का, जिसने सारे एक्शन करने हैं एंड यू नो बहुत वो है, मज़े का रोल है. एंड देन उसने रेस्क्यू करना है एक औरत को जो उमराव जान है, जिनका कैरेक्टर बिल्कुल उमराव जान की तरह है. ठीक है, होमवर्क किया है तो आप कौन सा कैरेक्टर चूज करेंगे? मैं ये दोनों करूंगी. दोनों नहीं कर सकती, यू हैव टू चूज वन. एक ही मूवी में दो कैरेक्टर है ना, आप एजेंट बन के बचाएंगी या उमराव जान बन के बचेंगी? अदाएं तो मैं घर भी कर सकती हूँ, बाद में एजेंट बन के बचा लूंगी.